दोस्तों मैम सूर्य हो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। रक्षाबंधन के डे 6 के अर्ली एस्टिमेट सामने आ रहे हैं ट्रेड के, और ट्रेड के हिसाब से ये फिल्म अंधेमु गिरी है। और मुझे बताते हुए भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन बात ये है, 16 ने सच है कि रक्षाबंधन कुछ नहीं, कम से कम 2 करोड़ के रेंज में कमाती हुई नजर आई है, सिर्फ 2 करोड़ के रेंज में। और जहां पे 6.25 करोड़ तक का कलेक्शन हुआ था इंडिपेंडेंस डे को, वहां पर ये फिल्म 2 करोड़ अगर कमा रही है तो सीधी सी बात है 65% के ऊपर तक का ड्रॉप मिला है, जो बहुत ही ज्यादा है। और 2 करोड़ के रेंज में अगर कमा रही फिल्म, तो फिल्म का जो टोटल अभी तक बना हुआ था 34.47 करोड़, वो सीधा सीधा पहुंच जाएगा 36.47 करोड़, 36 करोड़ 47 लाख। बस इससे ज्यादा उम्मीद मत करिएगा रक्षाबंधन का। आज जो कलेक्शन आने वाले, उसके बाद अक्षय कुमार बहुत ज्यादा ट्रोल होने वाले हैं, रक्षाबंधन फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने वाली है। लेकिन जो चीजें सब आपके सामने है, फिल्म अच्छी है, लेकिन क्या है ना, फिल्म बहुत अच्छी जो है वो ऑडियंस चाह रही है, और वो इस फिल्म को लेकर लोगों में है इश्यूज। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वीक है, वो सभी को पता है, सेकेंड हाफ बहुत ही कमाल का है। लेकिन हाँ, पता नहीं पब्लिक क्यों इन दोनों फिल्मों को नहीं देख रहा, मुझे लगता है उससे बड़ा इशू ये कि दोनों फिल्मों का क्लैश हुआ है, वो सबसे ज्यादा बड़ा मेन रीजन मुझे लग रहा है। सिर्फ अलग इतना है। बाय।